हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है पूरे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर। लेट ए, ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 0 माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा आयोटा, एंड बी बराबर ए ट्रांसपोज ए बार। देन एन आइगन वैल्यू ऑफ बी इज प्योरली इमेजिनरी, एन आइगन वैल्यू ऑफ बी इज 0, एन आइगन वैल्यू ऑफ बी इज रियल, ए हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। ये फ्रेंड्स बी है, ए हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब फ्रेंड्स बेसिकली हमें यहाँ पे चेक करना है बी की आइगन वैल्यू। चेक करते हैं बी की आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बी बराबर है ए ट्रांसपोज ए, तो इसको लिख सकते हैं हम ए ट्रांसपोज ए बार है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ए ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो 0 उसके बाद 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा एंड उसके बाद आयोटा, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास पूछा है ए बार, तो ए बार को क्या लिख सकते हैं, 0 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, जहां पर भी आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा पुट कर देना है, 1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ए बार हो गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 0 का 0 से होगा, माइनस वन का इससे होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास माइनस वन प्लस आयोटा से, ये हो रहा है। और अगर सेकंड में देखें तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका जीरो से होगा लिखने कोई मतलब नहीं है, उसके बाद माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस आयोटा से, और इसका आप देखें तो इससे सेकंड होगा सेकंड कॉल फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई से करने से कोई मतलब है नहीं, तो आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, आयोटा का इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके देखें, तो माइनस वन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, इसका इससे करेंगे तो प्लस आयोटा कट जाएगा, और ये हमारे पास इसका इससे करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। और माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा बराबर, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली टू, ये हमारे पास टू आ गया। इसके बाद इसको देखें तो माइनस आयोटा, तो ये तो आयोटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस वन, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इससे करेंगे तो माइनस आयोटा रहेगा, तो इसका इससे करेंगे तो माइनस सॉरी आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस वन रहेगा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जब इनका देखेंगे हम तो इनका अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, वन का आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा, माइनस वन का आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, एंड इसका से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन है पर माइनस साइन आगे है, तो ये हो जाएगा टू हमारे पास टू, और ये हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये माइनस वन है, ये टोटल हो जाएगा यहाँ थ्री, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स इनका मल्टीप्लाई जो है वो ये आ गया। अब हमें निकालना है इसकी आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू के लिए लेट लैम्ब्डा इज एन आइगन वैल्यू, तो उस कंडीशन में हमारे पास बी माइनस लैम्ब्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करना होगा हमें। अब बी माइनस लैम्ब्डा आई का डिटरमिनेंट जीरो पुट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 3 माइनस लेमडा, और ये आयोटा माइनस 1
माइनस आयोटा माइनस वन, ये है हमारे पास इक्वल टू। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें। डिटरमिनेंट फिर डिटरमिनेंट निकालने के लिए टू माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो टू माइनस टू माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई थ्री माइनस लेमडा से होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स माइनस फाइव लेमडा, क्योंकि यहां से टू से माइनस टू लेमडा, जब थ्री से होगा तो माइनस थ्री लेमडा, और प्लस लेमडा स्क्वायर, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इसका 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 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आयोटा माइनस वन एंड माइनस, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बारह जाएगा आयोटा प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस बारह है, ये हो जाएगा आयोटा का आयोटा से क्या, तो आयोटा स्क्वायर को माइनस वन लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा का इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा, अब माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू, बट माइनस बाहर है इसकी वजह से ये प्लस टू, ये हो गया फ्रेंड्स। अब चूंकि डिटरमिनेंट में इसका मल्टीप्लाई माइनस ये होता है, तो अब ये फिर माइनस होगा तो माइनस टू यहां आ गया। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम देखें लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा माइनस फोर एंड लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं इसको ओपन करके, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर फोर एंड वन, यानी जो आइगन वैल्यू थी वो दोनों रियल थी, जो दोनों आइगन वैल्यू थी रियल थी और कोई भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो नहीं थी। तो फ्रेंड जो ऑप्शन था हमारे पास वो था आइगन वैल्यू आर रियल, ये वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।